नाज़नीन उन्हें सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल की विद नाज़ को सब्सक्राइब नहीं किया या आप लोग हमारे चैनल पर नहीं आए हैं तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली सबसे पहले हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो व्यूवर्स, चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। तो आज की जो हमारी रेसिपी है वो है सीजनल सूप। हम लोग आज आपके साथ ऐसा सूप शेयर कर रहे हैं, वो है चिली चिकन सूप और सबको बहुत पसंद है। आज हम वो बनाने जा रहे हैं, बहुत ईजी वे से बनाएंगे, हर दिल पसंद है, कोई ऐसा नहीं जिसको सूप पसंद ना हो। और सर्दियों में तो मतलब ये लाजम मलजूम वाला हिसाब है। तो चलते हैं मम्मा की तरफ और मम्मा से जानते हैं कि जो सूप की रेसिपी वो हमारे साथ शेयर कर रही हैं उसको उन्होंने कैसे तैयार किया, क्योंकि मैंने यहाँ पर देखा मम्मा ने चिकन को बॉयल होने ऑलरेडी रख दी है और उसके अंदर गाजरें भी डाली हैं। क्या क्या डाला है, चलते हैं मम्मा की तरफ, मम्मा से जानते हैं। जी मम्मा आ जाए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरे बहन भाइयों। ये मैंने ना बंद गोभी बरीक बरीक काट ली। तो सबसे पहले ना मैंने ना चिकन उबलने रख दिया था, उसका रेशा रेशा कर लिया। फिर मैंने ना गाजरें दो डाल दी उसमें, ये भी मैं डाल देती हूँ। अच्छा, तो व्यूअर्स, मम्मा ने आप लोगों को भी बताया है कि इन्होंने चिकन को पहले बॉईल होने के लिए रख दिया था। अच्छा, तो यहाँ पर मैं अपने व्यूअर्स के लिए पूछना चाहूँगी कि जो तो चिकन आपने बॉईल होने रखा था वो चिकन जस्ट मतलब सिंपल चिकन था या अगर आपने कोई नमक या कुछ ऐड किया था फ्लेवर के लिए? थोड़ा सा नमक डाला था, थोड़ा सा नमक ऐड किया था। हाँ जी, आप ये दो अंडे डालेंगे, काली मिर्च, नमक, ठीक है, कॉर्नफ्लावर, ये आप साम चिली और सोया सॉस और सिरका, ठीक है, ये तमाम तो चीज़ें हमारे पास। ये हिसाब से डालेंगे ना, जितना मतलब बनाना है उसके हिसाब से, ठीक है। तो जितना मतलब हम लोगों ने बनाना है उसकी मतलब आपने सॉर्टनेस या स्वीटनेस या जो भी है मतलब उसकी जो सी है चिली डाल के तीखा करना है, जो भी करना है, क्योंकि हमारी जो से आपकी रेसिपी है वो है चिली चिकन सूप। तो चिली चिकन सूप में तो चिली ऑब्वियसली ज़्यादा ही डलेगी, ठीक है। और अब हम लोग इसको बनाने जा रहे हैं, चलते हैं चूल्हे की तरफ जहाँ पर चिकन बन रहा है। गाजर और बंद को भी मम्मा ऑलरेडी डाल चुके हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। तो ये देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर वही चिकन जो हम लोगों ने आपको बताया था वीडियो के शुरू में तो पकने के लिए हम लोगों ने रखा हुआ है। गाजरें और बंद गोभी हम लोगों ने इधर शामिल की है, चिकन ऑलरेडी हम लोगों ने जो सा रेशा रेशा कर लिया है और उसको हम लोग डालने जा रहे हैं। मतलब सब चीज़ें डल चुकी हैं, उसको हम पका रहे हैं और उसके बाद हम लोग क्या चीज़ें शामिल करेंगे वो स्टेप बाय स्टेप हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। हाँ जी, ये बना भी ना बंद गोभी हुई नहीं है, ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है, बंद गोभी हो जाए ना तो फिर अब मैं ना इसमें ना नमक, पहले भी हम लोगों ने नमक डाला हुआ इसलिए हम लोग अब कम ही नमक डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, ठीक है। हाफ टेबल स्पून व्यूअर्स हम लोगों ने नमक लिया है, हाफ टेबल स्पून हम लोगों ने ब्लैक पेपर शामिल किया है इसके अंदर। और अपने टेस्ट के हिसाब से आप लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि आपकी मिकदार पर डिपेंड करता है कि आप कितना सूप बनाने के लिए जा रहे हैं, कम है ज़्यादा है और क्या आप लोगों ने गाजरें और जो बंद गोभी वगैरह या यही चीज़ें डलती हैं बेसिकली, तो यही सब वेजिटेबल्स होती हैं जो यूज़ होती हैं सूप के अंदर। अच्छा, इसके थिकनेस के लिए कॉर्नफ्लोर यूज़ करेंगे हम लोग, हाँ जी, ठीक है। थिकनेस के लिए हम लोग कॉर्नफ्लावर यूज़ करेंगे, कॉर्नफ्लावर को हम लोगों ने जस्ट सिंपली पानी के साथ ही मिक्स करना है और जब आप लोगों ने डाला है तो उसकी एक बहुत ही ज़बरदस्त सी ट्रिक है जो ऑलरेडी कई बार कुकिंग विद नाज़नीन में आप लोगों के साथ शेयर की जा चुकी है। आज फिर हम उसको रिपीट करेंगे कि जब भी आपने कॉर्नफ्लावर को ऐड करना है किसी भी मतलब लाइक अगर आप सालन में ऐड कर रहे हैं या सूप में ऐड कर रहे हैं किसी भी रेसिपी के अंदर तो थिकनेस के लिए आप उसको यूज़ कर रहे हैं तो आपने इसको मसलसल चम्मच को हिलाते रहना है। अगर आपने चम्मच को नहीं हिलाया और वहाँ पर ही उसके जो क्लाउड्स हैं वो बन जाएंगे जो कि एक मतलब बहुत ही अजीब सी आपको ब्लंडर देंगे आपकी रेसिपी के अंदर, इसलिए भी केयरफुल जब आप कॉर्नफ्लावर को ऐड कर रहे हो। तो ये पानी पकने लग गया तो अब हम इसके अंदर कॉर्नफ्लावर को शामिल करेंगे। हाँ जी, अब मैं आग ना हल्की करके अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी कॉर्नफ्लावर को। क्यों हंस रही हो? ना सन्नाटा क्यों है भाई? सन्नाटा इसलिए है कि मैं चम्मच के साथ हिला रही हूँ इसे, सन्नाटा इसलिए है भाई।
सन्नाटा इसलिए भाई काम करना अच्छा नहीं है भाई और डलेगा। चल मेरे भाई और कौन फ्लावर चल मेरे भाई। अभी बहुत काम है बच्चा तुझे नहीं पता बच्चा जमूरा शामिल करते हैं और फिर आप लोगों को दोबारा दिखाते हैं। मैं डाल रही हूं इसमें चीजें सिरका। हाँ जी अच्छा जी सिरका हम लोगों ने एक बड़ा चम्मच डाल दिया है और चिली सॉस सोया सॉस भी हम सेम ही क्वांटिटी में डालेंगे। हाँ जी हाँ जी ठीक है। तो चिली सॉस क्योंकि हमारा ये रेसिपी भी चिली चिकन सूप है तो चिली हम लोग ज़्यादा ऐड करेंगे, सोया सॉस भी हम ऐड करेंगे और आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग ऐड कर लें। थिकनेस भी आप लोग कर सकते हैं आपसे कलर चेंज मैं डालती हूं ना ये भी पक जाएगा ना साथ। बहुत ही मज़ेदार ये सूप तैयार होने वाला है जो आज का सीज़न है और आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना और हमारी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। ये लो जी चिली भी हम लोगों ने डाल मैंने ना खुली डाली है जायका अच्छा आ गया देखा रंगत भी बदल गई। ठीक है तो हम कॉर्न फ्लावर भी और मजीद अगर ऐड करना है तो वो कर ले थिकनेस के लिए और इसको अच्छे से मिक्स करके अभी अंडे भी डालने हैं अभी और वो भी डालने हैं और फिर आपको दिखाते हैं। अच्छा ये अब हम लोगों ने जो सा है वो दो मैंने डाले शामिल कर दिए इसको भी अच्छे से हिलाना है हम लोगों ने। ठीक है थोड़ा सा मुझे पता भी चले ना कि मतलब एकदम से ज्यादा नहीं। हाँ एकदम से ये देखना पता हाँ इससे तो आती प्यारी प्यारी खूबसूरती। ठीक है जी जी तो बस मामा हम इसको कितनी देर और मज़ीद पकाएंगे बस ये दो मिनट और पकाना है इसे अगर आप चाहते हैं ना तो उबले हुए अंडे भी डाल सकते हैं। ठीक है मतलब दो मिनट हम लोग इसको मज़ीद पकाएंगे और उसके बाद हम लोग इसको कर लेंगे डिश आउट। हाँ और फिर आपके सामने निकाल के दिखाते हैं इसको डिश आउट करने के बाद इसका फाइनल लुक क्या। हाँ जी ये हमारा तैयार भी है देखिए इतना खड़ा खड़ा चलो बस तो व्यूअर्स माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो सी आज की रेसिपी है चिली चिकन सूप की वो हो गई है फाइनल। माशाल्लाह माशाल्लाह इतना अच्छा इतना ज़बरदस्त इसका अरोमा आ रहा है सूप का। सर्दी के मौसम में गर्मा गर्म सूप बहुत ही अच्छा लगता है और आप लोग इसको बनाएं बहुत ईजी है झटपट बन गया और हमें अपनी फीडबैक दें। तो व्यूअर्स लेते हैं आप लोगों से इजाज़त इंशाल्लाह एक नई रेसिपी लेकर दोबारा हाजिर होंगे। इससे पहले आप सब हमें से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अगर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या हमारे चैनल पर नहीं आए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं जो सी है बेल पे प्रेस करना मत भूलिएगा। हमारी वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जितनी रेसिपीज़ के लिए कुकिंग विद नाज़िम को सपोर्ट करते रहें। तो फिर इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे तब तक के लिए हमें इजाज़त दें हम आपके लिए दुआ करूँ हैं हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।